शिक्षक बहाली को लेकर युद्धस्तर से बीपीएससी तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में बीपीएससी की तैयारी क्या है, सिलेबस कब जारी होगा, परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, सीधी बातचीत करेंगे हम। आयोग के सचिव हमारे साथ हैं रविभूषण सर। असमंजस में अभ्यर्थी अब भी हैं, चूंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है 1,78,026 पदों पर बहाली होगी, लेकिन अब गेंद जो है आयोग के पाले में है, किस प्रकार की तैयारी? जैसा कि आप लोग अखबारों में भी आप सुन रहे हैं, सरकार का निर्णय जो है, सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षक की बहाली जितनी जल्दी हो, और इसके लिए हम लोग पहले भी उच्च स्तरीय बैठक भी किए हुए हैं, और कैसे एग्ज़ाम लेंगे और क्या कैसे विज्ञापन होगा वो हम लोग सब फ्रेम कर चुके हैं। जैसे ही हमको अधियाचना आती है तुरंत हम लोग उसका विज्ञापन का प्रारूप बनाए हुए हैं, उसका कैसे परीक्षा लेंगे सारी योजनाबद्ध हो गई। अभी फाइनल जो कैबिनेट से मोहर लगी है सीटों को लेकर, तो जो रिक्तियां हैं रोस्टर के आधार पर आपके पास पहुंची है कि नहीं? अभी रोस्टर के अनुसार नहीं पहुंची है, जिलों से रोस्टर आना है और फिर एकीकृत करके विभाग मुझे देगा, उसके अनुसार से हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, और जैसे ही वैकेंसी निकलेगी लगभग 1 महीने का समय देंगे, और फिर 1 महीने के जो फॉर्म भरने का होगा उसके जस्ट 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर में हम लोग परीक्षा ले लेने की स्थिति में हैं। मतलब जिस दिन आप विज्ञापन निकालेंगे उससे आप 1 महीने तक समय देंगे आप फॉर्म भरने का समय देते हैं, जो यूजुअली सब में देते हैं, और तत्काल में हम लोग जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है केंद्रों का ये आवंटन करना वगैरह वगैरह जो है उसकी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं कैसे क्या करना है, और जैसे ही हम लोग हो जाएगा युद्ध स्तर पर हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है, कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है, कोई कैलेंडर इंटरनल जारी किया गया होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी करना है, परीक्षा कब लेनी है, रिजल्ट कब जारी करना है, और विभाग को फाइनल रिजल्ट हम कब सौंपेंगे? जैसे ही हमको अधियाचना आ जाती है, मेरा जो अनुमान है 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग फ्लोट कर देंगे विज्ञापन, और 1 महीना के बाद जो मेरा जब फॉर्म ये हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीना और लगेगा एग्जाम लेने के लिए। यानी ये माना जाए कि मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है? श्योर हाँ, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है तुरंत हमको आना ही आना है, जिस तरह से मुझे जानकारी मिल रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक अगर विज्ञापन जारी करेंगे उसके बाद आप 1 महीने तक आप फॉर्म भरने की तिथि रखेंगे, यानी 30 जून तक? हाँ 30 जून तक, 1 महीना तो अनुमान दिया जाता है हर एक। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जुलाई में आप इम्तिहान ले सकते हैं, जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में। लेकिन ये भी तो चाहते होंगे ना कि फॉर्म भरने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उन्हें तैयारी करने का भी मौका मिले? तो मौका तो सरकार ने घोषणा कर दिया है, अब लोग जो एलिजिबल हैं वो तैयारी करें अभी से, क्योंकि इसके लिए तो सिलेबस पहले भी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर में जो रहता है, जनरल स्टडीज का पेपर्स लेंगे हम लोग प्रारंभिक शिक्षक के लिए, और उसके बाद जो 8 से 9 और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए, उसके लिए अलग अलग विषय का जो एग्जाम होगा जनरल स्टडीज के साथ उन लोगों का विषय का। हम चाहते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जो देख पा रहे हैं वो समझ जाएं, समझने के लिए हम जरा ये पूछते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसा होगा? 1 to 5 में हम लोग जनरल स्टडीज का ही, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्रश्न होता है, विषय नहीं रहेगा जी। 6 to 8 में क्या? 6 to 8 में जनरल स्टडीज और विषय रहेंगे, 9 to 10 में जनरल स्टडीज और उनका जो विषय जो ऑप्ट करते हैं वो विषय रहेगा, और उसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी जनरल साइंस और विषय रहेगा। 1 to 5 के अलावा बाकी जो भी क्लासेस है उसके लिए जो बहाली होगी उनको जीएस के साथ सब्जेक्ट आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ सब्जेक्ट भी रहेंगे उसके जीएस के आधार पर। सिलेबस एक बार फिर से बता देंगे, आपकी जो सिलेबस जारी होगा क्या ये नया पैटर्न होगा या इससे पहले बीपीएससी इस पैटर्न पर? जो पैटर्न पे हम लोग पहले जैसे एलिमेंट्री मैथ्स वगैरह रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, नेशनल मूवमेंट रहेंगे, पॉलिटी पर प्रश्न रहेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स पर प्रश्न रहेगा, और करंट अफेयर्स से जो जनरल रहेगा। यानी जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी और उसके हेडमास्टर की जो बहाली हुई थी, जो प्रश्न पूछे गए थे सिलेबस, उसी टाइप से आप पूछेंगे? हाँ उसी टाइप, वही विषयों पर पूछा जाए, हूबहू हम लगभग वही रहेगा, और सब्जेक्ट का सिलेबस जो उन लोग का रहता है स्टेट जो पात्रता परीक्षा होता है उसी हिसाब से रहेगा। डर भी तो अभ्यर्थियों के बीच में है कि प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के सिलेबस पर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे उस आधार पर, तो रिजल्ट का जो परसेंटेज है 3 से 4% ही पास हुए थे। पिछले बार नेगेटिव मार्किंग था, इस बार जैसा हम लोग प्लान कर रहे हैं नेगेटिव नहीं है। ये प्रॉफिट है। दूसरा सवाल ये है कि जो एग्जाम है इसके बाद रिजल्ट का ड्यूरेशन क्या आपने रखा है, टारगेट होगा ना कि एग्जाम के हम कितने दिनों बाद रिजल्ट देंगे? निर्भर करता है लड़कों की संख्या पर, ऐसे अगर रिजल्ट जो हम लोग जनरली देखते हैं जो डेट हम अनाउंस करते हैं तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीना के अंदर मैं आशा करता हूँ कि रिजल्ट जारी करूंगा जी। दूसरा ये है कि सिलेबस जो है बीपीएससी तैयार कर रहा है या शिक्षा विभाग क्या मंतव्य ले रहा है? बीपीएससी शिक्षा विभाग के मंतव्य से तैयार करेगा सहयोग के साथ। टारगेट कुछ रखा होगा ना आपने, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इस बार अभ्यर्थी जो है, चूंकि नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों इसमें शामिल होंगे, क्या टारगेट है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? 3 से ऊपर है और बाकी जो है मुझे लगता है 1 से 1.5 लाख हो रहा है, तो 4 साल 5 के अंदर में होना चाहिए। 5 लाख तक आप टारगेट रखें तो बढ़ाना पड़ेगा।
हाँ सेंटर तो हमारा जो कमीशन का जो कंबाइंड का सेंटर्स पूरे बिहार में रहता है, तो हम तो 800 सेंटर्स पूरे सभी जिलों में, 38 जिलों में रखने, हाँ सभी जिलों में उसका सेंटर रहेगा जी। एक और सवाल है कि जो अभ्यर्थी हैं खासकर नियोजित टीचर और जो अभ्यर्थी सीटेट बीटेट स्टेट पास वाले, क्या उनका एग्जाम जो है एक ही दिन लेंगे या फिर अलग अलग? नहीं वो तो साथ लेना है, तो ओपन कंपटीशन है। जो नियोजित शिक्षक हैं या जो एसटीएट हैं, सभी के लिए सरकार ने एक नियमावली निर्धारित कर दिया है, सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। दो रहेगा या एक रहेगा? दोनों एक ही विज्ञापन रहेगा। एक ही विज्ञापन रहेगा। सीट में हकमारी तो नहीं? नहीं सीट में यहाँ क्या हकमारी, जब ओपन कंपटीशन है सभी को आना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है हर सेंटर में, तो हकमारी होने का सवाल। करते हैं कि जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उसमें पासिंग परसेंटेज बेहतर रहेगा? जरूर रहेगा, बेहतर जरूर रहेगा, क्योंकि पहले से अनाउंस हो गया है और लोगों को जो एस्पायरेंट है उनको तैयारी करना चाहिए और सफलता जरूर सबको मिलेगी। अच्छा, कोई और नया इसमें तरकीब अपना रहे हैं बाकी? चूंकि बीपीएससी तो हर बार नया प्रयोग करता है, जो बीपीएससी का अभी तक जो पैटर्न है, जो हमारा एग्जाम लेने का जो कंबाइंड में मेरा जो मानक है वही लागू होगा इसमें। बिल्कुल, तो हमारे साथ बीपीएससी के सचिव रविभूषण थे, जिन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है और क्लियर किया है। चूंकि जो अभ्यर्थी हैं या जो नियोजित टीचर हैं उनके बीच असमंजस की जो स्थिति बनी है, तो ऐसे में सचिव ने हर सवाल का जवाब दिया और बताया है कि आपको इन इन बिंदुओं पर जो है ध्यान रखना है। यानी आप समझ सकते हैं जो इससे पहले हेडमास्टर या फिर जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी, यानी उनका जो सिलेबस था उससे काफ़ी मिलता जुलता जो शिक्षक हैं उनका भी सिलेबस होगा, और सिलेबस भी जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यानी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी भी तैयारी में जुट गया है। यानी मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है। एक महीने आपको मौका दिए जाएंगे फॉर्म भरने का, त्रुटि सुधारने का, और उसके बाद ठीक 1.5 महीने के अंदर जो है बीपीएससी इम्तिहान भी ले सकता है।